हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के एमटीएस यूनिवर्सिटी में संचालित पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का जो पेपर है हमारा, जिसको हम राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, उसमें हम आज पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राजनीतिक व्यवस्था उपागम पर चर्चा करेंगे। जैसा कि बच्चों आप सबको विदित है कि हमारा ये जो पेपर है पॉलिटिकल थ्योरी, ये एक टेक्निकल पेपर है या जिसका इसके अंदर हम टेक्निकल पॉलिटिकल साइंस में जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं। इस पेपर को हम मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो हम देखते हैं कि जो आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण हो रहा है, इसमें राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा होती है और राजनीतिक विज्ञान के ग्रंथों में हम देखते हैं, ये एक मॉडर्न शब्द है राजनीतिक व्यवस्था, और इसका प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अभी तक राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र था वो मुख्यतः राज्य और राजनीतिक संस्थाओं तक ही सीमित था, किंतु अब जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं, जब पूरी दुनिया के अंदर बदलाव की लहर आई है, तो राजनीति विज्ञान का विषय भी इससे अछूता नहीं रहा। और राजनीति विज्ञान में अनुभववाद की स्थापना के पश्चात यानी कि एम्पिरिकल स्टडीज़ जब शुरू हुई हैं, जब व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की धारणा के बाद जब राजनीति में अनुभववादी राजनीति अध्ययन प्रारंभ हुए हैं, उसके पश्चात हम देखते हैं कि राज्य और जो भी वैधानिक संस्थाएं हैं उनके अध्ययन के क्षेत्र की पुनर्व्याख्या करने की अब आवश्यकता महसूस होने लगी है। क्योंकि परंपरागत रूप में हम देखते हैं कि राज्य के अध्ययन में हम मात्र केवल औपचारिक संस्थाओं जैसे सरकार न्यायपालिका तक ही अपने अध्ययन को सीमित रखते थे, और इन व्यवस्थाओं के या इन संस्थाओं के संचालन में परिवार, जाति, वर्ग, धर्म और अन्य समूहों के कार्यों और भूमिका की हम उपेक्षा कर रहे थे या हम उनकी अनदेखा कर रहे थे। क्योंकि यही वे तत्व हैं जो इन संस्थाओं के स्वरूप और कार्यप्रणाली को निर्धारित करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हम देखें तो हम कहेंगे कि हमारी राजनीति का जो अभी तक का अध्ययन था सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले का, वो मात्र संस्थागत, संकीर्ण और अतुलनात्मक था। किंतु सेकंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात अन्य समाज विज्ञान के अन्य विषयों की भांति राजनीति विज्ञान को भी जब वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया गया, तो क्योंकि हमें अपने राजनीति शास्त्र के विषय को अधिक वैज्ञानिक बनाता था, उसे प्रभावशाली बनाना था, उसके अन्य विषयों के समकक्ष हमें उसको आगे बढ़ाना था। क्योंकि जो विषय के अंदर जितनी ज़्यादा वैज्ञानिकता का उसमें समावेश होगा, वह विषय उतने ही भविष्यवाणी करने की क्षमता में रख सकेगा और उस विषय की उपादेयता आधुनिक संदर्भों में परिभाषित हो सकेगी। तो हम देखते हैं कि जो ये सिस्टम एनालिसिस है कि व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि ये एक ऐसे विश्लेषणात्मक सिद्धांत की आवश्यकता राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत महसूस की गई, जिसमें उन सभी तत्वों को का विश्लेषण किया जा सके जो राजनीतिक जीवन के आधार हैं और जिनकी परंपरागत जो विचारक थे राजनीति शास्त्रियों ने, उन्होंने भी उपेक्षा की थी। तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम की का जो धारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम एक आधुनिक संदर्भों में देखने का प्रयास कर रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि यह शब्द का संबंध हमको शुरुआत के अंदर ऐसा लगता है कि मात्र इसके अंदर राज्य या उनसे संबंधित किन्हीं संस्थाओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन यह जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है ये मात्र राज्य और सरकार तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह परिवार, चर्च, अन्य संस्थाओं जहाँ भी व्यक्ति को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है, जहाँ किसी भी रूप में संगठन की बात होती है, एक व्यवस्थित
या एक व्यवस्था संगठित रूप में होती है उसकी बात होती है, वहाँ पे हम राजनीतिक व्यवस्था को या व्यवस्था सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। दो प्रमुख विचारक जो इस व्यवस्था सिद्धांत या राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के बारे में हम जिनका अमूमन जिक्र करेंगे वो डेविड ईस्टन और आमंड और पावेल हैं। आमंड और पावेल ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था से इसके अंगों की अंतर्निर्भरता और इसके प्रारण में किसी न किसी प्रकार की सीमा का बोध होता है। उनका ये मानना है कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में जो भी इसके पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और इन अंगों की किसी न किसी रूप में एक लिमिटेशन अवश्य होती है और इनकी जो पारस्परिक निर्भरता है वो इस प्रकार की होती है कि यदि व्यवस्था के किसी एक अंग में परिवर्तन होता है तो बाकी सभी अंग और संपूर्ण व्यवस्था इससे प्रभावित होती है। डेविड ईस्टन राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए कहते हैं और वो ये मानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में तीन इसके संगठक हैं। पहला, राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है, यानी कि प्रत्येक पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा पॉलिसी मेकिंग का कार्य किया जाता है और इसके द्वारा ही वह समाज में व्यवस्था स्थापित करती है। दूसरी बात, जो इसका आवंटन होता है, जो भी एलोकेशन होता है, ये बहुत कानूनी होता है। तीसरी बात, यह जो आवंटन होता है ये समाज पर पूर्ण रूप से भय रूप से लागू भी होता है। तो संक्षेप में आमंड और पावेल और डेविड ईस्टन की परिभाषाओं के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था समाज में व्यवस्था बनाए रखने और मांगों के ट्रांसफॉर्मेशन की यानी कि रूपांतरण की एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता समाहित होती है। अब हम ये देखेंगे कि जिस शब्द राजनीतिक व्यवस्था शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं वह प्राचीन काल में राज्य शासन और राज के रूप में परिभाषित किया जाता रहा है, किंतु राजनीति की नवीन शब्दावली में राजनीति की विषय वस्तु के को एक नवीन दृष्टिकोण से समझने में हम राजनीतिक व्यवस्था शब्द का या अवधारणा का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे आमंड और पावेल का ये मानना है कि जो राज्य शासन और राज जैसे जो परंपरागत शब्द थे या जो परंपरागत इनके प्रत्यय थे वहाँ पे वो संस्थाओं के वैधानिक और संस्थागत अर्थ तक ही सीमित थे और ये जो व्यवस्थाएं थी ये विशेषतः पश्चिमी राष्ट्रों में ज़्यादा प्रचलित थी। लेकिन उनका ये मानना है कि यह अध्ययन निश्चित रूप से अपूर्ण है क्योंकि जो गैर पाश्चात्य देश हैं उनकी संस्थाओं को हम इस फॉर्मेट के आधार पर नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जो साम्यवादी देश हैं, जो विकासशील राष्ट्र हैं, इनकी जो राजनीतिक संस्थाएं हैं ये पाश्चात्य देशों की आधारभूत संस्थाओं से बिल्कुल भिन्न हैं, क्योंकि जितने पश्चिम देशों की संस्थाएं हैं वहाँ पे अनौपचारिक समुदायों राजनीतिक दृष्टिकोणों की पर चर्चा नहीं हो रही है, किंतु जो गैर पाश्चात्य देशों में राजनीतिक संस्थाएं हैं वो एक ही समय में अलग अलग तत्वों से प्रभावित है। इसलिए हमें राजनीति विज्ञान को वास्तव में प्रभावशाली बनाना है, अपने राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाना है, तो हमें विश्लेषण के एक नए और व्यापक ढांचे की या एक नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी जिसे हम सिस्टम एनालिसिस कह सकते हैं। और वर्तमान समय में हम देखें
ये राजनीतिक व्यवस्था की धारणा का जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा प्रचलित होता जा रहा है, क्योंकि ये जो सिस्टम थ्योरी है ये हमारा ध्यान एक समाज की सभी राजनीतिक गतिविधियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्थाओं में मात्र हम व्यवस्थापिका, न्यायपालिका या प्रशासनिक एजेंसियों जैसी सरकारी संरचना ही नहीं अपितु जाति, रक्त संबंध, दंगे, उपद्रव और प्रदर्शन जैसे अव्यवस्थित तत्वों या अनौपचारिक तत्वों को भी इसमें शामिल करते हैं। तो इसलिए राजनीतिक व्यवस्था की धारणा में अब ये बात शामिल है कि सभी सरकार की जो भी संरचनाएं हैं या राजनीतिक व्यवस्था की जो भी संरचनाएं हैं ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, और यदि किसी एक संस्था में या एक तत्व परिवर्तन आता है तो इसका प्रभाव अन्य तत्वों पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की धारणा राज्य और शासन की तुलना में बहुत व्यापक है, साथ ही साथ बहुत गतिशील भी है, क्योंकि इसके अंतर्गत सोसाइटी में जो भी निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं या जो भी गैर राजनीतिक जीवन के तत्व हैं वो इसके अंदर शामिल किए जा रहे हैं। क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में या राजनीतिक जीवन में जो भी तत्व या जो भी ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो परिवर्तन की दिशा और गति को बदल रही हैं उनका भी अध्ययन इसमें शामिल किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट के रूप में राजनीतिक व्यवस्था को का अध्ययन अवश्यंभावी है, और जिसमें हम राज्य और शासन की परिवर्तित परिस्थितियों को समझ सकते हैं। कल हम राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं और उनके लक्षणों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।